महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार का कैबिनेट विस्तार जल्द होने वाला है, लेकिन शिंदे और फडणवीस चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। राज्य में हाल के दिनों में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्वाण सेना का रुख उद्धव ठाकरे के विरोध में रहा है। लॉर्ड स्पीकर हनुमान चालीसा, अजान समेत तमाम ऐसे मामलों को लेकर राज ठाकरे लगातार पूर्व की अघाड़ी सरकार को घेरते रहे हैं। ऐसे में उन्हें इसका फायदा बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने के बाद मिल सकता है। खबरों की माने तो बीजेपी एमएनएस को कैबिनेट में जगह देना चाहती है ताकि उद्धव ठाकरे को और कमजोर किया जा सके। इसी को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। वहीं दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब शिंदे कैबिनेट का विस्तार होना है। इसके बाद राजनीतिक हलकों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र के शिंदे कैबिनेट में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी शामिल होगी। खबरों की माने तो शिंदे खेमा, जिसमें शिंदे समेत 40 नेता शामिल हैं, उनमें से 16 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जबकि सरकार में 27 मंत्री बीजेपी के होंगे। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में अधिकतम 43 सदस्य हो सकते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी गृह, वित्त, राजस्व, सहयोग और जल संसाधन जैसे अहम विभाग अपने पास रखेगी, जिससे साबित होता है कि सरकार भले ही शिवसेना के शिंदे चलाएंगे, लेकिन दबदबा बीजेपी का ही रहेगा। फिलहाल कैबिनेट में सिर्फ मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के बाद अगले सप्ताह मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। ऐसे में कैबिनेट में एमएनएस को जगह मिलती है तो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के लिए जहां बड़ा झटका होगा, वहीं राज ठाकरे की पार्टी के लिए ये फायदे का सौदा हो सकता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।